जिस तरह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इन्होंने चलाई और एक गरीब गुरबा आदमी को भी एलपीजी का कनेक्शन मिला, और किस तरह से गांव में लोग भोजन बनाते थे, किस तरह से धुएं को झेलना पड़ता था महिलाओं को, आज एलपीजी कनेक्शन मिलने से एक तो पर्यावरण बेहतर हुआ है और दूसरी तरफ गरीब घर की महिलाओं को इसका लाभ हुआ है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। और इसके बाद जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की शुरुआत आपने की है, जिसमें कोई भी जो एसईसीसी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे के आधार पर जो चिन्हित किया गया है 10 करोड़ 74 लाख परिवार, उनको इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, ये कोई मामूली कदम नहीं है। मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं, और इसका लाभ लोगों ने उठाना शुरू किया, और बिहार में भी इस पूरे योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 8 लाख परिवार शामिल है और लोगों ने इसका लाभ उठाना शुरू किया है, इसकी चर्चा बढ़ने लगी है। और अभी हाल में जो आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है, और ये तय किया कि 2 हेक्टेयर तक के जमीन वाले किसानों को हम लोग हर वर्ष केंद्र सरकार उनको सीधे 6,000 रुपए की सहायता देगी, और 3 बार में 4-4 महीने पर, और पहली बार 2,000 रुपया जो 4 महीने में उसका अंश है उसकी सहायता आपने देना प्रारंभ कर दिया है, मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं। और जो बिहार की प्रगति के लिए हम लोगों का फिर से अलायंस हुआ, यह बिहार के हित में हुआ, बिहार की तरक्की के लिए हुआ, और मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि बिहार के विकास के सिलसिले में केंद्र सरकार का व्यापक सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, और राज्य सरकार ने अपनी तरफ से जो काम करना प्रारंभ किया है बिहार में, हम लोगों की प्रतिबद्धता है न्याय के साथ विकास के प्रति, और न्याय के साथ विकास का मतलब है समाज के हर तबके का विकास और हर इलाके का विकास। हम लोगों ने काम करना शुरू किया, एक एक गांव को सड़क से जोड़ा गया, अब गांव ही नहीं गांव के कुछ टोले हैं उनको भी सड़क से जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया, और हम लोगों ने हमने 7 निश्चय का ऐलान किया, और उस 7 निश्चय के ऊपर जो अमल हो रहा उसके चलते हर गांव के अंदर पक्की गली और नाली का निर्माण चल रहा है, हर घर में नल का जल, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि गांव में भी रहने वाले लोगों को नल का जल उपलब्ध होगा, और ये काम हम लोगों ने कराना प्रारंभ कर दिया। और दो तरह से जो गुणवत्ता प्रभावित इलाके हैं उसको लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से, और जो गुणवत्ता प्रभावित इलाके नहीं है उनको विकेंद्रित तरीके से पंचायतों के अंदर, शहरों के अंदर वार्ड वाइज उसका काम हम लोग कर रहे हैं तेजी से, और उसका अनुश्रवण भी किया जाता है। और इसके बाद देश भर की योजना, हमारे राज्य में भी स्वच्छ लोहिया बिहार अभियान भी हम लोग चला रहे हैं, और हम लोगों का लक्ष्य है कि एक एक घर में शौचालय बन जाए। और प्रधानमंत्री जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस साल के बापू के जन्म दिवस के अवसर तक 2 अक्टूबर 2019 तक हम लोगों का संकल्प है कि घर घर शौचालय का काम हम पूरा कर देंगे। और इस तरह से बिहार ने जो काम किया है, हमारे 7 निश्चय के अंतर्गत था महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, ये हम लोगों ने देना प्रारंभ कर दिया, लागू कर दिया। और इसके अलावा आप सब जानते हैं बिहार ही राज्य है, पहला राज्य है जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में भी 50% का आरक्षण दिया गया, और आज 50% से भी ज्यादा महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में निर्वाचित होकर आती हैं। और ये तीसरा टर्म है, 3 टर्म से 5 साल की अवधि है हम लोगों ने इसको लागू किया है, तो हर तरह से महिलाओं के उत्थान के लिए, समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, उनके उत्थान के लिए हम लोग काम करते रहे हैं। और युवाओं के विकास के लिए हम लोगों ने आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत 5 अवयव हैं, उस पर काम हो रहा है, अवसर बढ़े आगे पढ़े, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज,
पॉलिटेक्निक संस्थान, हर सब डिवीजन में, हर जिले में महिला आईटीआई, पैरामेडिकल संस्थान, जीएनएम संस्थान और हर सब डिवीजन में हम लोग आईटीआई और एएनएम इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं और इस पर तेजी से काम हो रहा है। और नए मेडिकल कॉलेज, मैं तो केंद्र सरकार को बधाई देता हूं कि आपने भी हमें नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए अपनी सहायता दी है। तो एक एक काम के लिए हम लोग अपनी बात जरूर कर रहे हैं। और बिहार एक पिछड़ा राज्य है, सबको मालूम है। हम लोगों का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, आबादी का घनत्व तो है देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग बुलंदी के साथ और मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और विकास का दर है, 2009 से बिहार का विकास का दर डबल डिजिट में चल रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि 17-18 में बिहार का विकास दर देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा 11.3% हो चुका है। हम यही आग्रह करेंगे, आपका सहयोग मिलता रहे। हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है, हर इलाके का विकास हो रहा है और इस काम में हम लोगों को जो हम लोग कर सकते हैं उसको कर ही रहे हैं। और आपको हम लोग बता देना चाहते हैं, जो काम आप लोगों ने आपने किया संविधान में संशोधन करके जो अनारक्षित तबके के लोग हैं आर्थिक आधार पर उनको 10% आरक्षण का प्रावधान किया। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, हम लोगों ने बिहार में कानून बनाकर उस संविधान संशोधन के आधार पर कानून बनाकर उसको लागू कर दिया। और अभी आर्थिक आधार पर जो आरक्षण लागू हुआ, नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ है राजस्व विभाग का और उसके लिए हम लोगों ने रोस्टर भी बना दिया है। एक एक काम हम लोग तेजी से करते हैं। और इसके अलावे बिहार में इतना काम के अलावे हम लोगों ने महसूस किया कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, सब लोगों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों ने तय किया कि हमारे बिहार में 60 साल की उम्र वाले लोगों को, स्त्री हो या पुरुष, और उनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है और सद्भावना का माहौल रखिएगा। हम सब लोगों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। कोई किसी धर्म को मानने वाला है वो अपने धर्म के मुताबिक पूजा पाठ करता है, लेकिन हम लोगों का ये दायित्व है, कर्तव्य है, हम देश को मजबूत करना चाहते हैं तो कोई किसी भी धर्म का हो हम एक दूसरे के, सामाजिक पाप है। और उसके बाद उन्होंने दूसरा कहा, काम के बिना धन, अरे धन अर्जित करना है तो काम करो, मेहनत करो। और यहां कुछ लोग हैं कोई काम नहीं करते हैं, धनार्जन करते हैं, सत्ता में आकर धन अर्जित करते हैं, और गांधी जी ने कहा यह सामाजिक पाप है। तो इन सब चीजों के बारे में, और हम लोग गांधी जी ने जो कहा 7 सामाजिक पाप, इसको एक एक स्कूल में लिखवा रहे हैं, एक एक सरकारी कार्यालय में लिखवा रहे हैं कि आखिर हम बापू का 150वां जयंती मना रहे हैं, तो बापू के विचारों से नई पीढ़ी को अवगत कराना चाहते हैं। और मुझको पक्का विश्वास है कि अगर हमारी नई पीढ़ी का 10-15% लोग भी गांधी जी के विचारों को अपना लेगा, समझ लेगा, तो ये देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा और आज जो कटुता का माहौल है वह समाप्त होगा। इसलिए हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। और गांधी जी ने क्या कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश। गांधी जी ने कहा था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और उनके प्रति जो हम लोगों की प्रतिबद्धता है, इसके कारण हम लोगों का संकल्प है कि लोगों की सेवा ही हमारा धर्म है, लोगों की सेवा हमारा धर्म है। और बाकी देख लीजिए, आज तरह तरह की बात करते हैं, सेवा में नहीं है रुचि, मेवा में रुचि है, जितना ज्यादा मेवा ग्रहण करें उसी में रुचि है। तो ऐसे लोगों से भी हम सब लोगों को सावधान होना। और आप जो आज इतनी बड़ी संख्या में आई उल्लास के साथ आए हैं, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब ये चुनाव आने वाला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी,
बिहार के लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि हम 40 में 40 सीट जीतेंगे, ये हम लोगों का संकल्प है। और कौन लड़ेगा, क्या करेगा, कौन क्या करता है बता दे, काम के आधार पर बात करो, मौका मिला क्या किया, और हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने लोगों के लिए क्या खिदमत की और क्या काम किया। और आज बिहार में प्रेम का वातावरण है, सद्भावना का वातावरण है। कुछ लोग कटुता फैलाना चाहते हैं, मैं सबसे कहूंगा उनके चक्कर में मत पड़िए, और सब लोग मिलकर आपका अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अल्पसंख्यक समाज के हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हो, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, महिलाएं हो, सबके उत्थान के लिए हम लोगों ने विशेष काम किया है, और बाकी सभी लोगों के लिए एकजुट होकर मिलकर हम काम करते रहे और आज इसका लाभ मिल रहा है। अब आप बताइए, लोग सोचता नहीं था क्या स्थिति थी, बिजली का क्या हाल था, जब हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया नवंबर 2005 में, तो बिजली की खपत बिहार में थी 700 मेगावाट और हम लोगों ने हर घर बिजली उपलब्ध करा दिया। आज बिजली की खपत 5200 मेगावाट के से भी ज्यादा है, ये बिजली पहुंचा दिया, हर घर में बिजली पहुंचा दिया। अब पहले घर में बिजली नहीं रहती थी तो लोग डरते थे कि हमारे बच्चे अंधकार में बाहर न चले जाएं, तो लोग उसको माता पिता समझाते थे, बाबू बाहर मत जाओ, बाहर भूत है, भूत का भय दिखा करके बच्चों को नियंत्रित रखते थे। और जरूरत पड़ने पर लोग लालटेन का इस्तेमाल करते थे, ढिबरी का इस्तेमाल करते थे, किरासन तेल का प्रयोग करते थे। अब घर घर बिजली पहुंच गई, भूत भी भाग गया और लालटेन की जरूरत खत्म हो गई इस पूरे बिहार में। यह स्थिति हम लोगों ने पैदा कर दिया। आपका समर्थन रहेगा, आपका सहयोग रहेगा, हम लोग तो सेवा ही करते रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव के बाद पुनः आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही केंद्र में सरकार बनेगी और अपना देश तरक्की के इस रास्ते पर और आगे बढ़ता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और माननीय मोदी जी का मैं स्वागत करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।